गाइस नमस्ते एंड वेलकम बैक टू डिडल की रसोई। और आज मैं मेरी रसोई में बनाने जा रही हूँ मावा स्टफ पराठा। तो चलिए देखते हैं कि इस मावा स्टफ पराठा को बनाने के लिए मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। तो इस मावा स्टफ पराठे को बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया हुआ है आधा छोटा चम्मच कुटा हुआ हरा इलायची, आधा कप मावा, ये मैंने लिया हुआ है एक बड़ा चम्मच। इसमें मैंने पिस्ता, काजू, बादाम और शक्कर पिसा हुआ है, ये सारे मिक्स हैं इसमें। ये लगभग एक बड़े चम्मच के बराबर है। आटा भी मैंने गूंद के रखा हुआ था, मुझे अभी सिर्फ एक पराठा बनाना है, उसके लिए मैंने ये तैयारी करी हुई है। यहां मैंने पैन में घी गरम कर लिया हुआ है। अब इस पैन में मैं इस मावे को ऐड करूंगी। इस मावे को हमें बिल्कुल धीमी आंच पे अच्छी तरह इस घी में पका लेना है। इसे मुझे हार्डली 5 मिनट ही पकाना है। मैं इसमें ऐड करती हूँ ये कुटा हुआ हरा इलायची और इसे 1 मिनट तक मिक्स करने के बाद इसमें ये ड्राई फ्रूट और शक्कर पाउडर ऐड करूंगी और इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम गैस बंद कर लेंगे और इस मिक्सचर को ठंडा होने देते हैं। ये मिश्रण ठंडा हो चुका है, इसे मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूं। ये जो स्टफिंग का मिक्सचर है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। चलिए हम वापस से गैस ऑन करेंगे और इसी पैन में पराठा तैयार कर लेते हैं। याद रखें स्टफिंग का मिश्रण बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए, अदरवाइज पराठे सही नहीं बनेंगे।
तवा गरम हो चुका है। इन पराठों को हमें दोनों तरफ से अच्छी तरह से सुनहरा होने तक सेक लेना है। पराठे अच्छी तरह से सिक चुके हैं। अब मैं दोनों तरफ से घी लगा लूंगी। पराठे अच्छी तरह से सिक चुके हैं। चलिए अब हम गैस बंद करके इन पराठों को सर्व कर लेते हैं। तो ये मेरा मावा स्टफ पराठा अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे मैंने आम के अचार के साथ सर्व किया हुआ है। आई होप आपको मेरे ये मावा स्टफ पराठे की रेसिपी पसंद आई होगी और आप भी इसे एक बार अपनी रसोई में बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरी नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो आने तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।